गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई मिस यू ऑल सो मच. प्रेप क्लास, ओपन योर इंग्लिश बुक. लुक एट द पेज नंबर 3. प्रैक्टिस एंड रिव्यू ऑफ स्मॉल लेटर्स ए टू जेड. आइकन्स के मुताबिक इस पेज पे आज आप बच्चों ने ए टू जेड राइट करने हैं. हाँ जी, इस पेज पर आपने आराम आराम से और प्यारे प्यारे राइट करनी है. ये देखिए, ये क्या है? ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. अब इस पेज को दोबारा से रीड करेंगे. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. लुक एट द पेज नंबर 4. प्रैक्टिस एंड रिव्यू ऑफ स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स. आइकॉन्स के मुताबिक इस पेज को राइट करेंगे. स्काई लेटर्स, स्काई लेटर्स उन लेटर्स को कहा जाता है जो ऊपर की 3 लाइनों में राइट किए जाएं. अब मैं बताऊंगी कौन कौन से लेटर हैं जो ऊपर की 3 लाइन में राइट किए जाएंगे. ये देखिए, बी, बी के बाद देखें डी, एफ, एच, के, एल, टी. हाँ जी, ये वो लेटर्स हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में राइट किए गए हैं और इन्हें स्काई लेटर्स कहा जाता है. और अब ये देखें, ग्रास लेटर्स, ग्रास लेटर्स उन लेटर्स को कहा जाता है जो मिडल की 2 लाइंस में राइट किए जाएं. ये देखें, ए, ए के बाद देखें सी, ई, आई, आई के बाद देखें एम, एन, ओ, एस, आर, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, सेड. हाँ जी, ग्रास लेटर्स उन लेटर्स को कहा जाता है जो मिडल की 2 लाइंस में राइट किए जाएं. अब जो लेटर मैंने मिडल की 2 लाइन में राइट किए हैं, इन लेटर्स को क्या कहा जाता है? ग्रास लेटर्स. अब देखें रूट लेटर्स की तरफ. रूट लेटर्स उन लेटर्स को कहा जाता है जो आखिर की 3 लाइन में राइट किए जाएं. जी, जी के बाद देखें जे, पी, क्यू, वाई. हाँ जी, ये जो लेटर्स मैंने नीचे की 3 लाइनों में राइट किए हैं, इन लेटर्स को रूट लेटर्स कहा जाता है.
प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है और होमवर्क में आपने कैपिटल लेटर्स राइट करने हैं। ये देखें, ये पेज नंबर 1 और साथ में आपने ये देखें पेज नंबर और ये पेज नंबर 2। आप बच्चों ने होमवर्क में बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से और प्यारा प्यारा होमवर्क आप बच्चों ने राइट करना है और होमवर्क आप बच्चों ने बरोज़ हफ्ता स्कूल आकर चेक करवाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।